और बेटे, क्या हाल चाल तुम्हारा? भाई एकदम मस्त सेक्सी। तो पापा जी, व्हाट आ मैच! सबसे पहले तो इंडिया वालों को बहुत बहुत मुबारक, और मैं सीधा अस्पताल से आ रहा हूँ। हैं, मतलब इतनी जो हार्ट बीट ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा मैं कर रहा हूँ, दिल मुंह में आ गया, फिर अंदर चला गया, फिर मुंह में आ गया, फिर ऐसे दिल। भाई जी, हैं, हालात तो बड़े ख़राब थे भाई जी। हैं, शुरू शुरू में जिस तरह मैच शुरू हुआ है ना, पहले 2000 ओवर मैंने देखे, मैंने बंद कर दिया। मैं कहा हारे सिन्हा, देख कोई फ़ायदा ना है, क्योंकि इन्होंने लौड़े लगाने हैं। हैं भाई, मैंने बड़ी कोशिश की का भाई, नहीं। फिर चाचा रिजवान ने आहिस्ता आहिस्ता जब कंटिन्यू करा ना मैच, मैं कहा चलो 180-190 कहाँ नहीं गया। और स्पेशली वो छक्के, क्या बात है पापा जी! वो छक्कों की जो 3 छक्के मारे ना, मैं करूँ चुम्बेश्वरी। हैं, दिल खुश हो गया था पापा जी। हैं, फिर उसके बाद जो हरकत करी है ना, ये जो एक तो पहले शुरू में चाचा रिजवान ने, हैं, उसके बाद हैदर ने, आसिफ ने, पापा जी और नमाज ने, शुक्र है 2 चौके लगागा। हैं, लेकिन जो उन्होंने हरकत करी ना पापा जी, दिल कर रहा था कि भाई टीवी स्क्रीन में से खुशूँ और इनको निकाल के पटक के मारें। भाई पापा जी, रिजवान साहब ने तो ना हिसाब किताब गलत कर रखा है। ये मतलब ऐसे खेलते हैं? हैं, ये मतलब पाप गुस्सा इतना चढ़ रहा था कि पापा जी टीवी तोड़ दें, सीधी सीधी बात थी भाई। हैं, नहीं मतलब इतना सिलो है, मार धाड़ चलती है को पता चलता है। हैं पापा जी, इनको निकालो बाहर, सीधी सी बात है। हैं, वो तो लेकिन जहीन शाह रीति का छक्का है, और जनाब साहब हारिस रूफ के, मैं कह रहा हूँ चुम्बेश्वरी छक्के मारा पापा जी, दिल खुश कर दिया पापा जी। इनको ऊपर भेज दो और इनको नीचे खिलाओ। हैं, बल्कि पाकिस्तान के सिर्फ 8 खिलाड़ी खेलेंगे, बाकी फील्डिंग पूरे 11। फिर भाई जान, रोटी का टाइम हुआ, मैं कहा रोटी को मारो गोली, साइड पे करो, यहाँ तो पाकिस्तान के लौड़े लगने वाले हैं। हैं, मुश्किल से 160 पहुँचे, मैं कहा चलो दुआ। पर जैसे ही पावर प्ले तक ना, पापा जी बड़ा ज़बरदस्त मैच चल रहा, मैं कहा जी पिज़्ज़े शीज़े मंगवा लो, जो बिरयानी हरियानी बनानी है बनाओ, चीज़ चूज़ जो बांटनी है बांट लो पापा जी, मैच जीत के। हैं, मतलब पावर प्ले तक तो है चुम्बेश्वरी, नज़र ना लगे पाकिस्तान को। लेकिन फिर पापा जी कोहली साहब आए और लौड़े लगा गए पाकिस्तान टीम के, पांड्या फिर बचा गया भाई। हैं, जिस चीज़ का हमें डर था ना कि पांड्या मारेगा, पांड्या ने नहीं मारा, कोहली साहब ने जिस तरह मारा ना, पिटक पिटक के पापा जी, ना पूछो। हैं, उसके बाद जनाब आखिरी ओवर, हैं, नहीं मतलब ये क्या है भाई, एक ओवर शुरू में निकाल देते तो पापा जी फास्ट ओवर था तो पाकिस्तान ने मैच जिताया था। हैं, लेकिन ना ये स्पिनर के चक्कर में मरते। उसके बाद जनाब साहब मेरी बत्ती गुल हो गई थी भाई, पापा ही जब छक्के लगे ना, हैं, और अभी तक वो कंट्रोवर्सी बनी पड़ी है कि वो नो बॉल नहीं थी, नहीं थी वो नो बॉल पापा जी। लेकिन कोहली ने जिस तरह गुस्से से मांगा ना भाई, कंपेयर डर गया। हैं पापा जी, इससे डरा ज़्यादा डराने वाले हमारे हैं, वो आसिफ अली नहीं आया ना, चाहे वो आया पापा जी, नसीम शाह वो आगे आते ना, बताते फिर अंपायर को गुस्सा किस तरह करते हैं। हैं, वो लगा ना जैसे छक्का, मेरी तबीयत ख़राब हो गई भाई, सीधी बात है, मेरा बीपी लो होगा, हार्ट बीट पता नहीं कहाँ चली गई, समझ से बाहर था, मुझे नहीं समझ आया कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। उसके बाद सीधी अस्पताल में आँख खुली है, हैं, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही थी मुझे, और साथ वो जनाब साहब दिल वाला डॉक्टर बैठा था। हैं,